और आइए बात करते हैं हरदोई में गैंगरेप की। देश में गैंगरेप की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। सबसे ताजा मामला यूपी के हरदोई से है। आरोप है कि यहां पर 5 बदमाशों ने एक लड़की का गैंगरेप किया है। गैंगरेप की घटना पर नहीं लग रही लगाम। रोहतक और गुरुग्राम के बाद अब हरदोई। क्या देश में कानून का खौफ खत्म हो गया है? इस लड़की का दर्द सिर्फ यही समझ सकती है। यूपी के हरदोई के बेनीगंज में कल रात करीब 2 बदमाशों ने घर में घुसकर तमंचे के बल पर इसे अगवा कर लिया और फिर अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस लड़की का गैंगरेप कर दिया। इसके बाद अधमरी हालत में इसे छोड़कर बदमाश फरार हो गए। लुमरा के पुल पर बहुत धमकी दी। तमंचे, दो तमंचे थे एक के पास और नहीं पता है किसके के पास तमंचे होंगे, 5 लोगों के पास। फिर उसके बाद में उमरारी बाग में जाके ये लोगों ने, मतलब 2 लोगों ने हमारे साथ दुराचार किया। 3 लोगों ने, हमें नहीं फिर पता है कि आगे मतलब मेरे साथ क्या किया, 3 लोगों ने किया या नहीं किया है, हमें होश ही नहीं था बाद में। लड़की के परिजनों को जब सुबह घर पर वो नजर नहीं आई तो हड़कंप मच गया। वो जब ढूंढने निकले तो ये अधमरी हालत में सड़क पर मिली। ये इतनी सदमे में थी कि किसी को पहचान भी नहीं पा रही थी। थोड़ा संभलने के बाद जब लड़की ने अपनी आप बीती बताई तब घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस सूचना पर तत्काल थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। मेडिकल हो जाने के बाद जब तक उसमें सामने आएंगे, साथ ही साथ विवेचना चल रही है तो उसके आधार पर अभियुक्त गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। देश में गैंगरेप की घटनाओं पर लगाम लगना नामुमकिन लग रहा है। अभी देश रोहतक और गुरुग्राम में हुई गैंगरेप की घटनाओं से उबरा भी नहीं है कि अब हरदोई की इस वारदात ने फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।